मध्य प्रदेश में इसी महीने की 28 तारीख को विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते सीएम शिवराज बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के बहोरीबंद विधानसभा के वाकल में चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की। यह चुनाव शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने का चुनाव है, ये चुनाव किसान को पसीने की पूरी कीमत देने का चुनाव है, ये चुनाव माँ बहन और बेटी के सशक्तिकरण का चुनाव है और ये चुनाव गरीबी हटाने का चुनाव है। आज पूरी जिम्मेदारी से तुम्हारा शिवराज कह रहा है, मैं गरीबी नहीं रहने दूंगा। और अरे जोर से बताएं, सब लड़ना चाहिए कि नहीं? तो ये चुनाव आप लड़ो मेरे बहनों और भाइयों, सब चीजें भूल जाना, कोई मतभेद नहीं, मिलकर एक हो जाना। केवल 12 दिन इस चुनाव में बचे, ये 12 दिन मुझे दे दो बहनों और भाइयों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए। आप 12 दिन चुनाव प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मैं 5 साल दिन और रात आपकी सेवा में एक कर दूंगा, दिन और रात आपकी सेवा में एक कर दूंगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाए, यही मेरा निवेदन है। बोलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, जोर से इधर से भी आवाज आए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, प्रणय को विधायक बनाएंगे, मुख्यमंत्री कौन को बनाएंगे, तो आइए। वहीं एक तरफ देखने को मिला, सीएम शिवराज मंच पर बैठी थे तभी एक बच्ची उनके पास आकर बैठी और सेल्फी लेकर झुककर उनके पैर छुए। सीएम शिवराज ने बच्ची को आशीर्वाद भी दिया। SPN 9 News Room से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।